आफ्टरनून, आज हम बात करेंगे वाइटल साइंस के ऊपर। वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइंस होते हैं जो हम हमारे कुछ बॉडी के फंक्शंस होते हैं जो इन पे निर्भर होते हैं, मेजरमेंट होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमको बेसिक फंक्शन हमारे बॉडी पे करता है। आप यूजली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका पल्स हाथ पकड़कर पल्स चेक करेगा, बीपी चेक करता है, कभी बुखार होता है तो बॉडी टेम्परेचर भी चेक करता है। इनको हम वाइटल साइंस बोलते हैं। साइन मतलब जो हमारे मेजरमेंट्स होते हैं बॉडी के। तो जैसे बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट मतलब आप कितनी बारी सांस ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी हमारे वाइटल साइंस में काउंट होता है। ये हमको डिटेक्ट करता है या हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को, जो हमको जैसे कभी कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई भी जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, किसी चीज की भी प्रॉब्लम है, तो आपके शरीर में किस चीज की प्रॉब्लम है उससे पहले हम ये डॉक्टर्स ये वाइटल साइंस मेजर करते हैं और उसी हिसाब से आपको आगे टेस्टिंग के लिए भी बताते हैं। आप लोग इस वाइटल साइंस को घर में भी कर सकते हैं और कहीं मेडिकल इमरजेंसी डॉक्टर्स के पास जाकर भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर जो होता है, शरीर का तापमान होता है, वो वेरी करता है महिलाओं में भी, पुरुष में भी। कोई एक्टिविटी अगर आप कर आ रहे हो, भाग कर आ रहे हो या चल कर आ रहे हो, उस पे भी आपने ठंडा खाना खाया या गर्म खाना खाया या ठंडा पानी पिया, गर्म पानी पिया, इस पे भी डिपेंड करता है। कब आप लेते हो, सुबह या रात को, और जब वुमेन मेंसेस से जाती हैं उसके उस पे भी डिपेंड करता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इससे अगर बढ़ता है 98, 9900 तो आपको बुखार है। दो तरीके से आप ले सकते हो, ओरली मतलब थर्मामीटर को मुंह में डालकर, या बच्चों का, जैसे छोटे बच्चों का टेम्परेचर लेते हैं हम साइड पे, बाजू की साइड पे, उस पे भी, वहां से भी आप ले सकते हैं। पर जो बाजू के साइड पे जब टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है तो वो 0.3 या 0.4 डिग्री कम रिकॉर्ड होता है। आप उसको उसी के हिसाब से बढ़ाकर आप बता सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कब बड़ा होता है? या तो आपको बुखार हो या अंदर किसी चीज की इंफेक्शन हो जिसकी वजह से आपको बुखार चढ़ा है, उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये दो तरीके के थर्मामीटर यहाँ मैंने आपको दिखाए हैं। ये मर्करी वाला होता है और ये डिजिटल वाला है। यहाँ पर मेरे पास अभी डिजिटल वाला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डिजिटल वाला थर्मामीटर है। ये यहाँ आपके जब आप इसको मुंह में डालेंगे, यहाँ से मुंह में डालेंगे तो यहाँ पर आपका थर्मामीटर रिकॉर्ड होगा, मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। इसमें ये सेंसर वाला है, आपका जब यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर बीप की आवाज आएगी जैसे अभी आ रही है, और आप थर्मामीटर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये डिजिटल वाला थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर को एक पेशेंट के बाद यूज करने के बाद दूसरे पेशेंट पे यूज करने से पहले वॉश करना है। ऐसे आप किसी और के मुंह से निकला हुआ थर्मामीटर किसी और के मुंह में आप नहीं डाल सकते। तो ये बॉडी टेम्परेचर के बारे में था। अब हम बात करते हैं पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट पर मिनट, मतलब जब आपका दिल धड़कता है, एक मिनट में कितनी बारी आपका दिल धड़क रहा है, उसको हम पल्स रेट कहते हैं।
जैसे जैसे आपका दिल धड़क रहा है वैसे वैसे आपकी शरीर में नसें भी धड़कती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो दिल है वो पूरी बॉडी में नसों के दौरान ब्लड को पुश करता है बाहर की तरफ। तो जब ब्लड पुश होता है तो नसें धड़कती हैं, हार्ट धड़कता है। जब हार्ट बीट करता है तो इसका मतलब वो ब्लड को पुश कर रहा है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है मतलब शांत होता है तब तो वो ब्लड वापस आर्टरीज के थ्रू ही, नसों के थ्रू ही वापस जाता है। तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल एक पल्स रेट होता है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है मतलब ऊपर या नीचे, या अगर आप कोई एक्सरसाइज कर कर आए हो और एकदम आप पल्स रेट लोगे अपना तो ये ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, या कभी कभार 100 के अंदर भी रहता है। या कोई बीमारी है तब आपका पल्स रेट इंक्रीज होगा, या आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो या खुश हो तब आपका पल्स रेट इंक्रीज होता है। जो एथलीट्स होते हैं, जो भागते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, उनका बहुत ज्यादा वो हार्ट को लेकर काम करते हैं, क्योंकि भागने में सबसे ज्यादा आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है। तो उनका यूजली 40 बीट्स ज्यादा ही आता है नॉर्मल इंसान से। कैसे चेक करते हैं आप? या तो इसको ये रिस्ट के पास, कलाई के पास अपनी दो उंगली को रखकर चेक कर सकते हो, या कोहनी के पास। कलाई के पास आप ये दो उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से को कलाई के पास रखेंगे यहाँ पर, तो आपको पल्स महसूस होगी यहाँ इस पे, क्या कहते हैं, इस उंगली पे महसूस होगी। आपको वो काउंट करनी है, 1 मिनट तक आप काउंट करेंगे, घड़ी को आगे रखकर 1 मिनट तक आप उसको काउंट काउंट करें। घड़ी पे नहीं ध्यान दें, सिर्फ पल्स पे ध्यान दें कि आपके हाथों पे, इस उंगलियों पे पल्स बीट हो रही है, कितनी बारी हो रही है। मैं चाहती हूँ आप ये सब करें और अभी मेरे को बताएं कि आप ये कर पा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, पल्स महसूस हो रही है। मैंने किया है। कौन बोल रही है? कौन बोल रहा है? मैम पूजा, कहाँ से? मैम निगासन खीरी से, लखीमपुर खीरी जिला लखीमपुर। है हमारा मैम। हाँ जी, हाँ जी। कितना आया आपका? मैम 72 आया, 72 बीट्स आई ना आपकी? जी। हाँ जी। अगर आप अपने घर में भी कर कर, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपने क्या क्या किया, आप एक रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे। ओके मैम। ओके प्रज्ञा मैम। आपने करी? जी मैम। कितनी आई आपकी? मैम 71। ओके। आप घर में अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों के करेंगे, आप उसको लिख कर लेकर आएंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी। ओके मैम। तो ये ऐसे होता है, पल्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरी बात होती है रेस्पिरेशन रेट, कितनी बारी एक जना सांस ले रहा है। नॉर्मल इंसान 12 से 16 सांस लेता है 1 मिनट में। इसमें आप इंसान को आ, आ, जो जिसका आपने लेना है उसको आप बिठाकर या लेटाकर इस रेट को मेजर कर सकते हैं, कितनी बारी उसका ऊपर चेस्ट ऊपर आता है। और ऊपर जैसे हमारा पेट, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूलता है और फिर दबता है ना, तो फूलना और दबना का एक, उसको हम एक काउंट करेंगे। तो हम 12 से 16 सांस लेते हैं 1 मिनट में। ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है जब या तो आपको बुखार है या किसी, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप इसको मेजर कर सकते हो। या किसी को सांस लेने की बीमारी है, जैसे कि अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, इसमें भी सांसें ठीक से रिकॉर्ड नहीं होती हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत रहती है। तो रेस्पिरेशन रेट होता है कितनी बारी आप सांस लेते हो 1 मिनट।
अब जो चौथा आता है वो आता है ब्लड प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जितनी जोर से आपका हार्ट जो है खून पुश कर रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहा है नसों की तरफ, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो पुशिंग, मतलब जितनी जोर से उसने फेंका और वापस आया, जब वो पुश करता है बाहर की तरफ खून को, हार्ट जब पुश करता है, मतलब पुश मतलब दबाना, उसको फेंकना बाहर की तरफ, जितनी जोर से वो फेंकेगा बाहर को, ब्लड को बाहर नसों में, वो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होगा। और जब हमारा ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाएगा नसों से, वो हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर होगा। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर क्या होता है? ऊपर वाला लेमैन में जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो वो यही कहते हैं ना, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका ये है और नीचे वाला ये है। तो मेडिकल टर्म में हम इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब ऊपर वाले को हम नाम देते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाले का जो नाम होता है मेडिकल टर्म में वो डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक हो गया आपका ऊपर वाला, दो रीडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं। अब जब हम बॉडी टेम्परेचर लेते थे तो हमारी एक रीडिंग, हमारा शरीर का तापमान एक बार ही आएगा, पल्स रेट हमारी एक रिकॉर्ड होगी, रेस्पिरेशन रेट हमारा एक रिकॉर्ड होगा। पर ब्लड प्रेशर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी दो रीडिंग्स आती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, जिसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, 120 ऊपर वाला हो गया, 80 नीचे वाला हो गया। ये दो मशीन यहाँ मैंने आपको दिखाई, ये नॉर्मली डॉक्टर के पास ये वाली मशीन होती है, और हम लोग घर में डिजिटल वाली भी यूज करते हैं। आज मेरे पास डिजिटल वाली है, ये मेरे पास डिजिटल है, इसमें आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, SYS एंड DIA। ये यहाँ पर अगर आप ब्लड प्रेशर लोगे तो ये ऊपर वाला रिकॉर्ड होगा और यहाँ नीचे वाला रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पर हम पल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसके साथ ये एक कफ आता है, इसको आप लगा सकते हो कोनी के ऊपर, आप इसको लगा सकते हो, और यहाँ पर बाजू पे कोनी के ऊपर लगाओगे, और इसकी जो नॉब है वो आप इस मशीन पे लगाओगे, और बस कोनी को आपने जिसका भी आप ब्लड प्रेशर लोगे उसकी कोनी को आप टेबल पे रेस्ट कर रखोगे, और ब्लड प्रेशर की मशीन को ऑन कर दोगे। जब ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो जाएगा मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। ये कफ जब हम ऑन करेंगे तो ये कफ फूलेगा, आप इसको ट्राई करिएगा, ये कफ फूलेगा और आपको ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं आपको एक मिनट कर दिखाती हूँ किसी को बुलाकर। इसका ये वाला जो चीज है ये सेंटर में आना चाहिए, और ये आप इसको प्रेस कर सकते हो ऐसे। और ये वाला नॉब यहाँ मशीन में लगा देना है, और इसको स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो बटन है प्रेस करेंगे। मशीन को चलाने से पहले सेल्स देख लीजिएगा, सेल्स होने चाहिए जो इसमें नहीं है। Thank you.
सेल्स डालने के बाद मशीन को ऑन कर दे। पेशेंट का जो कोनी है उसको रेस्ट करना है टेबल पे, और ये कफ ऊपर लगाने के बाद आप मशीन को ऑन करेंगे। मशीन ऑन हो जाएगी और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ये कब फूलेगा इसको आप टेंशन नहीं ले, ये जब ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये अपने आप सेटल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हुआ, इसमें आप देखिए ऊपर वाला जो है वो 130 है, नीचे वाला 78 है और पल्स इनकी 91 है। आपको समझ आया ब्लड प्रेशर कैसे रिकॉर्ड करते हैं? यस मैम। कुसुम लता जी, पूजा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस मैम, समय आ गया। मैंने भी अपना ब्लड प्रेशर चेक किया था मैम। इसमें ऊपर वाला 130 आया था, नीचे वाला 89 आया था मैम। कौन बोल बता रहा है? जी मैं कुसुम लता बोल रही हूँ। जी हाँ जी कुसुम लता जी। हाँ जी मैम, और पल्स 106 आए थे। ब्लड प्रेशर मैम ऊपर वाला था वो था 130 था मैम, और नीचे वाला था वो 87 था, और पल्स थी वो 106। ये आपका ब्लड प्रेशर है? आपका ब्लड प्रेशर बड़ा होता है यूजली? आपको बीपी की प्रॉब्लम है? यस मैम। यस मैम, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। आप मेडिसिन लेते हैं? यस मैम। तो आप मेडिसिन लेते रहे, और ब्लड प्रेशर अगर आप मॉर्निंग में चेक करते हैं तो मॉर्निंग में ही करें, अगर आप इवनिंग में चेक करते हैं तो आप इवनिंग में ही अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें। ओके मैम। हाँ जी, तो अभी जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना सिखाया, तो ये ब्लड प्रेशर कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए। अगर कोई स्मोक करता है या कॉफी पीता है या चाय पीता है, वो 30 मिनट पहले मतलब चाय पीकर आए या कॉफी पीकर आए। अगर 30 मिनट नहीं हुए हैं तो उनको बिठा कर रखें, आधा घंटे बाद ही उनका ब्लड प्रेशर चेक होगा। वॉशरूम होकर आना है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। पहले रिलैक्स करें 5 मिनट। पेशेंट का जो चेयर है उसमें उनकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कोनी जो है वो टेबल पे रेस्ट होनी चाहिए। आप एक मेजरमेंट लें, बीपी का एक मेजरमेंट लें, अगर नहीं ठीक आता है तो दूसरी बारी ले सकते हैं। पर बीपी आपका या तो आप मॉर्निंग के टाइम पे चेक करें या इवनिंग के टाइम पे चेक कर उसको रिकॉर्ड करें। अगर बीपी बड़ा है, नॉर्मल से बड़ा हुआ है, तो आप मेडिकल अपॉइंटमेंट डॉक्टर से बात कर उसको दवाइयां शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटीवी हमारी ब्लड प्रेशर के ऊपर है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। बीपी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारा हार्ट बीट करता है वो ब्लड को पुश करता है पूरी पूरी बॉडी पे नसों के थ्रू, और ये
जो जितने जोर से जितना स्ट्रेंथ लेकर ब्लड को पुश करेगा उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नीचे वाले रीडिंग को हम डायस्टोलिक बोलते हैं। नॉर्मल रेंज आपकी 120/80 होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो या तो आपको कोई हाइपरटेंशन की बीमारी है, और अगर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जिसका 180-120 पहुंच जाता है वो हार्ट की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाइपरटेंशन। टेंशन, जितनी ज्यादा आप टेंशन आजकल के दौर पे ज्यादा लेते हैं उतना दुत्ता ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। आजकल के दौर में यंगस्टर्स को भी ये बीमारियां हैं क्योंकि टेंशन बहुत है। तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम्स को भी, हार्ट डिजीजेस को भी न्योता देता है, क्योंकि जितना हाई ब्लड प्रेशर होगा आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ेंगी। ब्लड प्रेशर क्या है? डिटरमाइन करता, हाई ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करता है आपके हार्ट ब्लड कितनी जोर से पंप हो रहा है और कितना रेजिस्टेंस है आपके, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कितना अच्छे से फ्लो कर रहा है, कोई कोई नस दबी तो नहीं हुई। अगर कोई नस दबी हुई है तब भी ब्लड प्रेशर आपका हाई आता है। ये सब जानकारी आपको एक डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपकी ब्लड प्रेशर क्यों हाई आ रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तब भी डॉक्टर आपका बीपी चेक कर कोई और टेस्ट कर ही बता पाएगा। अब क्या लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर के? आपके सिर में बहुत दर्द होगा, सांस उखड़ने लगेगी, नाक से खून आना शुरू हो जाएगा, नौजिया, वॉमिटिंग जैसी बीमारी हो जाएगी, चक्कर आएगा, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। यूजली प्रेगनेंसी वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, या जब मेनोपॉज आ जाते हैं तब हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। क्या कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का? या तो आप बहुत ज्यादा नमक अपने डाइट में ले रहे हैं, आप फल और फ्रूट नहीं खाते हैं या वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बिल्कुल कोई वॉक नहीं करते, भागते नहीं हैं, आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, या आप बहुत ओवरवेट हैं, या बहुत ज्यादा कोई शराब पीता है, डायबिटीज जिसको है, शुगर की बीमारी है, तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, किडनी की कोई बीमारी है तब भी हो सकता है, या जिसको रात में नींद नहीं ठीक से आती उनको भी बीपी की शिकायत रह सकती है। तो ये कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना है। डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन आपको वो लेनी है। उसके बाद आप अपने डाइट पे कंट्रोल करें, नमक का इंटेक कम करें, सब्जी और फल का इंटेक ज्यादा करें, तला भुना कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, आधा घंटा वॉक जरूर करें या कोई योगा एक्सरसाइज करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर कोई शराब पीता है या स्मोक करता है उसको क्विट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस कर दें और चाय और कॉफी का सेवन कम करें। ये एक दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट, ये एक चीजें आपको अपनी जिंदगी में फॉलो करनी है जिनका बीपी हाई होता है। अब हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को लो ब्लड प्रेशर भी होता है। इसमें लोग फेंट होने की या चक्कर आने की संभावना होती है, गिर भी जाते हैं चक्कर आकर। ये तब होता है या तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा आप अनीमिक हैं, अनीमिया की बीमारी है, आपको खून ही नहीं बनता आपके शरीर में, तब ये कारण हो सकता है। या आपकी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ हो, खून निकल गया हो आपकी बॉडी से, तब होगा। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से भी होता है, जिसको डायरिया वगैरह हो जाता है तब भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। कारण लो ब्लड प्रेशर का आपको देखना है, जिसको लो ब्लड प्रेशर है आपको उसका कारण देखना है कि आपको लो ब्लड प्रेशर क्यों है। क्या लक्षण होते हैं? चक्कर आएगा,
आप थके से महसूस करेंगे, गिर भी सकते हो चक्कर आकर, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, उल्टियां भी हो सकती हैं, काम करने में मन नहीं लगेगा। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। आपके हाथ पैर ठंडे रहेंगे हमेशा, स्किन जो है, त्वचा जो है वो पीली पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी, पल्स जो है वो भी वीक हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। क्या कारण हो सकता है? या तो प्रेगनेंसी में, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तब भी उनको लो ब्लड प्रेशर होता है, या आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, या डिहाइड्रेशन है, डायबिटिक में भी होता है कभी कभार लो ब्लड प्रेशर, जब शुगर एकदम लो चली जाती है तब लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, बुखार में कोई डायरिया हो जाए, बहुत ज्यादा वाटरी लूज मोशन हो रहे हैं तब हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, आपके शरीर में खून ही नहीं बन रहा, ब्लड लॉस हो रहा है, कोई सीवियर इन्फेक्शन है, या आपके डाइट में आयरन इनटेक नहीं है, तब ये लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। ट्रीटमेंट सबसे पहले यही है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी में जाकर डॉक्टर से संपर्क करना है, उनसे दवाई लेनी है, जितना हो सके पानी पिएं, अल्कोहल को भी क्विट करें, स्मोकिंग भी क्विट करें, नमक का इंटेक थोड़ा ज्यादा करें, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए, थोड़ा ज्यादा करें, छोटा छोटे अमाउंट में खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में वॉकिंग करें, चाय कॉफी का सेवन कर सकते हैं जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर की रीडिंग हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ, या तो मॉर्निंग में रिकॉर्ड करें या शाम को रिकॉर्ड करें, एक ही टाइम, ये नहीं कि आप मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर कल आप शाम को रिकॉर्ड करें। अगर आपने मॉर्निंग में रिकॉर्ड करनी शुरू करी है तो मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड करें। थैंक यू। किसी ने कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। हेलो मैम। मैम क्या ये क्या मैम, जैसे कि बहुत से लोगों को बीपी की दिक्कत होती है, तो क्या उसमें खर्राटे तो कुछ कर सकते हैं? मतलब खर्राटे बहुत आ रहे हैं। नहीं, ये बीपी से संबंधित नहीं है। खर्राटों का जो प्रॉब्लम है वो आपके सांस से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं आपके जो सांस की नली है वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत थके वो तो खरांटे आ गए, ऐसा बीपी से संबंधित खरांटों का कुछ नहीं। मतलब हार्ट से रिलेटेड भी नहीं है ऐसा कुछ? मतलब मैं अगर बहुत ज्यादा खरांटे लेते हैं तो ये बाद में जाकर हार्ट, जैसे क्योंकि प्रेशर तो आपका हार्ट पे ही पड़ता है। जी हाँ जी मैम, मैं ना ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि है ना, जैसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो कुछ एज ग्रुप होगा कि मतलब हम 16-17 साल के बच्चों का भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं? कर सकते हैं 16-17 साल के बच्चों का। जी मैम। हाँ जी, थैंक यू।